इसका एक्सपांशन क्या होता है बच्चों, वन आई को वन रखते हैं, टू रखते हैं, थ्री रखते हैं, अच्छा एन, तो हमें विजुलाइजेशन के लिए क्लियर होता है, अच्छा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन इज दिस, और फिर उसकी वैल्यू हमें अलग से याद है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, एग्रीड? वैसे ही एक्चुअली डबल समेशन मैंने एक ना एक क्वेश्चन बीच में कराया होगा विद क्या बोलते हैं रिवर्स एक्सपांशन के साथ, आई इक्वल टू वन से एन, जे इक्वल टू वन से एन, याद है सबको, ऑफ आई इंटू जे दे दूं, तो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालना तो आता है। ऑल ऑफ यू टेल मी फास्ट, किससे स्टार्ट करेंगे, इनर समेशन आउटर समेशन? इनर समेशन। इनर समेशन के लिए वेरिएबल कौन है? जे। 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 कैन आई से आई तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट। यस, तो आई बाहर आ गया और यहाँ पे जे बचा है, तो इसका आंसर क्या होता है? कम ऑन, जे वेरिएबल से चमक नामक, इसका आंसर क्या होता है? तो समेशन आई इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, फिर ये जो बचा हुआ समेशन है उसके लिए वेरिएबल कौन है? आई। 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 तो ये पूरा उसके लिए कांस्टेंट है अगेन? यस। तो ये बाहर आ जाएगा और जो अंदर बचेगा समेशन आई, उसका आंसर वापस क्या है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो देखो ये इसका आंसर तो तुम्हें आता है निकालना, कम ऑन एग्री करो। यस। बट ये किसको रिप्रेजेंट करता है वो तुम्हें नहीं पता है कि विजुलाइजेशन, ये किसका एक्सपांशन है? समेशन है तो एक्सपांशन तो होगा, तमाम? यस सर। यस सर। बट ये किसका एक्सपांशन है थिंक थोड़ा सा? हां, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ना ना, तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसका एक्सपांशन पूछ रहा हूँ तो ये वन डायमेंशनल है, एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम ऑन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन। वेल, अगर ये डबल समेशन है तो ये टू डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, मींस इट विल बी अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपल नंबर्स रिटर्न इन रोज एंड कॉलम्स। तो देखो, अब मैं इसका विजुलाइजेशन के लिए, इसके एक्सपांशन के लिए आई विल स्टार्ट विथ आउटर समेशन, इसके एक्सपांशन के लिए, बस समझने के लिए है क्या भाई। I will start, we will start. Outer summation. Okay, मेरे साथ सुनना। तो सबसे पहले I कितना हो गया? वन। अब I वन के लिए terms का pattern कैसा होगा? वन into J type का, agree करो? Yes sir. Yes sir. I वन के लिए पूरी J की series complete होगी। अब I वन के लिए J वन होगा सबसे पहले, तो टर्म हो जाएगा वन इंटू वन, फिर आई वन के लिए ये पूरी रो आई इक्वल टू वन के लिए, आई इक्वल टू वन के लिए जे टू होगा, फिर जे थ्री होगा, एन अप टू जे इक्वल टू एन। कैन आई से आई इक्वल टू वन के लिए पैटर्न कंप्लीट? यस सर। नाउ आई इंक्रीज करेगा किसके लिए? टू के लिए। तो अभी टर्म्स दिखेंगे कैसे, टू इंटू जे टाइप के, बट जे कहां से स्टार्ट होगा, टू से या वन से ही? वन से। प्लस टू इंटू वन, प्लस टू इंटू टू, प्लस टू इंटू थ्री, प्लस अप टू टू इंटू एन, एंड देन जे थ्री आई थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू थ्री, अप टू थ्री इंटू एन, एंड सो ऑन, कहां तक चलेगा, एन इंटू वन प्लस एन इंटू टू अप टू एन इंटू एन। क्या तुम्हें विजुलाइज हो रहा है ये इतनी बड़े नंबर्स टू डायमेंशन के, इस मैट्रिक्स को ये चुन्ना मुन्ना रिप्रेजेंट कर रहा है, कम ऑन, एग्रीड? यस यस सर। तो इसी में अभी बहुत खेलेंगे, इसलिए अच्छी तरह देख लो। So this is representing this total summation. अब से मैं इसको total summation बोलूंगा, समझ जाओगे ना? Yes sir. Yes sir. तो इसको visualization क्यों जरूरी है सर? Value तो हमें inner summation से start करेंगे और निकाल लेंगे, तो अच्छी बात है भाई, निकाल लेना। But कुछ question में तुम्हें समझना जरूरी होगा, इसलिए अभी बताया है। क्या यहाँ तक clear? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. यहाँ तक copy करो एक बार। तो वापस रिपीट करता हूं, वैल्यू निकालने के लिए भी स्टार्ट विथ इनर समेशन, बट एक्सपांशन समझने के लिए भी स्टार्ट विथ आउटर। आउटर।
ओके आई होप यहां तक हो गया यस सर डन वन मिनट सर यस सर be a little bit fast don't be very slow the total summation hota hai summation I equal to 1 sin summation j equal to 1 sin done sir second अभी सिर्फ समझना है मेरे साथ ना आई एम नॉट गिविंग यू क्वेश्चन इफ आई आस्क यू लाइक दिस समेशन आई एंड जे बोथ आर इक्वल एंड दे वेरी फ्रॉम वन टू एन ऑफ आई इनटू जे कम ऑन उसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में इसको समझो उसी पेज को लिख देता हूं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो समेशन आई एंड जे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल बोथ वेरीज फ्रॉम वन टू एन एंड द टर्म्स आर सेम आई इनटू जे Come on, think. Correct है बट इस मैट्रिक्स में ये जो टोटल मैट्रिक्स बनाई है उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Come on, everybody. The rows into columns. Come on. The squares. Come on. और सोचो क्या जो मैंने डायगनल को रिप्रेजेंट कर रहा है Can all of you see ये डायगनल को रिप्रेजेंट कर रहा है all of you? अंडरस्टैंडिंग वैल्यू निकालना अलग चीज है और अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक्सपांशन कर रहे हैं तो एक्सपांशन करने के लिए हमें पता है कि आई और जे हमेशा इक्वल होंगे ओके तो आई और जे हमेशा इक्वल है और बोथ वेरी कर रहे हैं वन से एन मतलब आई वन हो गया तो जे भी वन ही होगा कमान टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर सो कैन आई से उस मैट्रिक्स में ये डायगनल को रिप्रेजेंट कर रहा है कमान एवरीबडी Yes. ये क्यों लिख रहा हूँ अभी थर्ड पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ और इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो कैन आई से डबल समेशन को सिंगल समेशन से रिप्लेस कर दो और हर जगह जे को आई रख दो कम ऑन बोल सकता हूँ तो अब से ये डायगनल वाले की वैल्यू निकालने के लिए डबल को हम सिंगल समेशन में रिप्लेस कर देंगे और जे को आई रख देंगे इज दैट क्लियर याद है इसका आंसर तो हाँ सर यस सर यस सर तो इसमें भी कोई डाउट नहीं तो थर्ड पॉइंट मेन बाद में कॉपी कर लेना सुन लो समेशन समेशन वन लेस देन आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन आई इनटू जे अब मुझे बताओ ये डायगनल ये चीज सॉरी डायगनल नहीं ये चीज उस मैट्रिक्स में क्या रिप्रेजेंट कर रही है उसी पेज पे लिख देता हूं मैं वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन आई इंटू जे अगर ये समझना है ना इसका एक्सपांशन समझना है तो स्टार्ट विथ आई और जे आई को वन रखो और देखो जे कहां से कहां तक वेरी कर रहा है खुद सोचो बोलो मत सोचो आई को वन रखो और बताओ जे कहां से कहां तक वेरी कर रहा है टू से एन ना यस सर यस सर देखो अच्छा मतलब वन इंटू टू वन इंटू थ्री वन इंटू एन रिप्रेजेंट करेगा करेक्ट नॉट एवरीबडी यहाँ तक ये रिप्रेजेंट किया है उसने फिर आई टू हो गया तो जे कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करेगा थ्री से एन जे हमेशा आई से बड़ा है तो थ्री से एन ना क्या सबको समझ में आया कि ये अपर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है अरे हाँ राइट साइड अगर ट्राइंगल नहीं बोलते हैं इसको अपर ट्राइंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं अपर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कम ऑन एवरीबॉडी गेट कंफर्टेबल Yes, sir. Yes, sir. तो कौन इंटेलिजेंट है लोअर ट्राइंगल को कौन रिप्रेजेंट करेगा बता दो उल्टा कर दो सर लेस देन आई लेस देन इक्वल टू एन बताओ एग्री करते हो बच्चों यस सर तो अभी तुमने मैंने हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें दो चीजें बताई है कम ऑन एग्री करो एक वैल्यू निकालना और एक एक्सपांशन क्या होता है करेक्ट ना यस Yes, तो ज्यादातर तो वैल्यू निकालना आसान होता है करेक्ट हो ना एक्सपांशन समझना और मुश्किल होता है yes, sir. Yes, sir. डबल समीशन की केस में बट यहाँ पे एक्सपांशन तो समझ में आ गया कि इट रिप्रेजेंट्स अपर ट्रायंगल कम ऑन एग्री करो इन टोटल समीशन मैट्रिक्स यस सर ऑल ऑफ यू ओके ना yes, sir. इसकी वैल्यू कैसे निकालना इसकी वैल्यू कैसे निकाले
क्योंकि ऐसा तो है नहीं, तुम मत बोलना कि जे बार आ जाएगा, नहीं, क्यों, आई और जे डिपेंड कर रहे हैं, जब तक मैं दोनों को अलग अलग ब्रेक नहीं करूं, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई को जे माइनस वन लिख देंगे। यस, इसको एक तरीके से ऐसे ब्रेक तो कर सकते हैं कि अच्छा इनर के लिए जे है, बट जे हमेशा आई प्लस वन से एन तक वेरी कर रहा है, कम ऑन एग्री करो। और फिर आई वन से एन तक वेरी कर रहा है, कम ऑन, वन से एन माइनस वन भी लिख सकता हूँ वैसे तो, बट वन से एन लिख दिया चलेगा, वो टर्म जीरो हो जाएगा वैसे। साउंड्स गुड? यस सर। यस सर। बट ये निकालने के लिए बहुत कैलकुलेशन लंबी जाएगी यार, क्योंकि ये आई तो बाहर आ जाएगा, बट आई प्लस वन से एन का फॉर्मूला लगेगा। क्या विजुलाइज कर रहे हो ना, आई बाहर आ गया, अब इसका आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कम ऑन, प्लस माइनस करने पड़ेंगे, कम ऑन एग्री करो। यस 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 सर। एन इनटू एन प्लस वन बाय टू माइनस वन से आई तक का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आई इनटू आई प्लस वन बाय टू ऐसा करना पड़ेगा, कम ऑन। फिर समेशन आई का समेशन और आएगा ना, ये सब लंबा चौड़ा काम है, आ जाएगा, गुड इनफ। पर सबसे अच्छा मेथड पता है क्या, कि आई इंटू जे, आर दीज टर्म सिमेट्रिकल ना, क्या अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल का सम सेम नहीं होगा, कम ऑन देखो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जल्दी से एग्री करो, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल विल हैव द सेम समेशन, 1 into 2 इज सेम एज 2 into 1। यस सर। यस सर। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि टर्म सिमेट्रिकल थे, आई के पावर पावर और जे के ऊपर बिल्कुल सिमेट्रिकल टर्म्स है। यस सर। यस सर। यस सर। नॉन सिमेट्रिकल क्या होगा, ये नॉन सिमेट्रिकल होगा, एग्री करो। Yes, yes, sir. Sir. Yes, sir. But since the terms are symmetrical, can I say lower triangle will be same as upper triangle? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And total summation kya hai? Come on. Upper plus upper lower plus diagonal. Diagonal. Ab samajh gaye hoge, directly nahi niklega, ye kisi aur ki help se niklega. Correct or not? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we are twice upper plus diagonal. So upper ka formula kya ho gaya? Total summation minus diagonal by 2. और जल्दी से एग्री करो, टोटल निकालना आसान होता है, डायगोनल निकालना भी आसान होता है। अपर ट्रायंगुलर का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल समेशन माइनस डायगोनल बाय 2, इज दैट ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। बट ओनली इफ टी आई जे इज सिमेट्रिकल, कैन आई से लाइक दैट? यस सर। ट्रू। यस यस तो अब हमें अपर ट्रायंगल की वैल्यू निकालना भी आ गया और समझ में तो आ ही गया था कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो कॉपी करें यहाँ पर। बुकलेट में देखें तो हमने क्वेश्चन डबल समेशन किया, देखें नहीं देखें? हाँ सर। नॉन सिमेट्रिकल के लिए भी कर सकते हैं, वो थोड़े टफ क्वेश्चन में आता है, पहले ये सीखो फिर देखते हैं। सिलेबस में नहीं है बट दे सकते हैं इसे आगे। चलिए अरुण, इसका मतलब नहीं समझा मैं। कौन सा वाला, सीनियर्स का, उसकी बात कर रहा है अभी? तो उत्कर्ष गुप्ता को कैसे जानता है? बाद में बताना, लेक्चर के एंड में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। उत्कर्ष गुप्ता तो एक बोरीवली में स्टूडेंट है मेरा, आई डोंट नो, इसकी बात कर रहा है, बाद में बात करेंगे। Yes, कोई डाउट यहाँ तक बच्चों?
Anybody? Yes, sir. Done. सेकेंड पॉइंट में एक समेशन उड़ा कैसे दिया, उसका मतलब क्या होता है वो समझ के बच्चे, कि आई और जे हमेशा इक्वल है तो जे को आई रख सकता हूँ ना. यस सर. इसका एक्सपांशन यही है ना. हाँ सर. तो इसको क्या लिखते हैं, इसको यही तो लिखते हैं. कमॉन. यस सर. तो बस हमने जनरलाइज कर दिया कि कभी आई इक्वल टू जे दे रखा है तो जे को आई रख दो और डबल की जगह सिंगल समेशन रख दो, क्योंकि जे की जगह आई रख दिया तो अब आई की इम्पोर्टेंस है. हाँ यस सर. अगर जे है ही नहीं तो उसके लिए दो वेरिएबल दो समेशन की यूज करें. ओके सर. ठीक है. अब ध्यान से देखना यहाँ पे लेस देन है, देख रहे हो ना. यस सर. यस सर. मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, आई विल मेक सम स्मॉल स्मॉल चेंजेस, इफ यू डोंट नोटिस केयरफुली यू विल डू अ ब्लंडर देयर. क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके, आई एम मूविंग ऑन नाउ एंड गिविंग यू सम क्वेश्चंस. सबकी वैल्यू चाहिए मुझे, एक्सपांशन से कोई मतलब नहीं. हम तो जस्ट समझने के लिए दिया था. यू गिव मी द आंसर ऑफ ऑल ऑफ देम. तो फर्स्ट में ऊपर n है कि i है? सो फर्स्ट में सम के ऊपर n ही है. फर्स्ट में सिर्फ 2j है, i नहीं है. ऊपर i है. यस. चलो चलो जल्दी से तीनों एक साथ ही डिस्कस करूंगा मैं, तो फिनिश करो तुम. हाँ बच्चों करें, हो गया तीनों? और शुड आई वेट? ओके 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 वेटिंग.
कम ऑन थर्ड पे आ जाओ. कैन एवरीबॉडी सी थर्ड वन इज पॉटरेंगुलर वन. यस सर. एंड सेकंड उसी का टोटल समेशन है, देख रहा है ना सेकंड क्वेश्चन में. थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो तुम करोगे घबराओगे ना. उसको सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आई एम चेंजिंग एन आई जे. अब करो सर. हो गया था. हाँ कोई बात नहीं, हो गया था सर. वापस यही करो एन आई जे. एन आई जे चल आप डिस्कस कर रहे हैं बच्चों. ओके यस सर. यस आवाज आ रही होगी आई होप सो. ओके पहला क्वेश्चन टू तो पूरा ही बाहर आ जाएगा जे. ठीक है आंसर लिख लेते हैं. टू टाइम्स आई इज वेयरिंग फ्रॉम वन टू एन समेशन ऑफ जे. समेशन ऑफ जे का आंसर एन इंटू एन प्लस वन बाय टू मत लिख देना. करेक्ट ना. यस सर. यस सर. मैं तो दिखा देता हूँ. समेशन जे है बट जे कहाँ तक है. एन तक नहीं है. I तक है. तो हर जगह एन की जगह बस आई आ जाएगा ना. यस सर. यस सर. इसका आंसर हो जाएगा आई इंटू आई प्लस वन बाय टू. एवरीबॉडी ओके. यस सर. टू से टू चला गया और याद है मैंने कंसेक्यूटिव का रिजल्ट याद कराया सबको. I hope you're realizing वो result याद करना चाहिए, otherwise बहुत सारे question में time लगता है. Okay. Yes sir. Yes. Okay. यहाँ पे n को तो बाहर पटक दो यार, बाकी तो same ही question है. मेरे को तो answer याद है, मैं लिख रहा हूँ. चलेगा? या और वापस करना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes. Second question किसी को doubt है क्या? No sir. No sir. Okay. Third upper triangular is total summation minus diagonal by two. So total is this. n into n square into n plus 1 whole square by 2 square. Diagonal का answer क्या हो जाएगा? बोलो. n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Agree करो बच्चों? Yes sir. Divided by 2. ये clear है तो बताओ अगर मैं छोटा सा change करूँ तो what you will do? 1 is less than i, j less than equal to n. देखो अभी तक तो पूरा same है. i less than equal to कर दूँ. अब दोनों साइड डायगनल ऐड कर डायगनल. कैन आई से दिस इज अपर प्लस डायगनल
तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टोटल समेशन माइनस डायगनल बाय टू प्लस डायगनल. कम ऑन एवरीबॉडी. यस यस सर. कॉपी कर लो. Anybody doubt? Can I move on then? So please. ये एन और ये एन कहां से आया सबको दिख रहा है ना? यस सर. हां सर. हां बिल्कुल. अब मूव करूं या अभी भी वेट करूं? डन सर. डन सर. डन सर. सर सर. हाँ बच्चे हर्षल बोल. थर्ड वाले में मुझे डाउट था सर, वो डायगनल वाला कैसे आया थर्ड वाले में, लाइक वो n n प्लस 1. बच्चे अपन डिस्कस कर चुके हैं डायगनल को, वही है. डायगनल मतलब क्या होता है, पहले तो बात तो n तो बाहर आएगा ही आएगा, करेक्ट है नॉट? हाँ सर. फिर इसके लिए मैंने डायगनल के लिए क्या बोला था कि j को i से रिप्लेस कर दो और i की लिमिट 1 से n. इसका आंसर क्या होता है? हाँ ओके ओके. हाँ समझ गया. थैंक यू सर. तो अभी बताओ ये SNS है या binomial है? SNS. बट समझ गया मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि अब सेम क्वेश्चन binomial में आ जाएंगे, करेक्ट? यस यस सर. I is 0 से n, 0 से n. कम ऑन एग्री करो कि binomial में लिमिट्स 1 से n की जगह 0 से n होती है यूजुअली. यस सर. यस सर. तो ये करो जल्दी से. यस बच्चों बालको जल्दी आंसर लाओ यार. एनसीआई पहले समीशन के बाहर आ जाएगा ना? एवरीबॉडी. यस 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 सर. तो जस्ट इनर समीशन चालू करो और एक एक टर्म को बाहर निकालते जाओ. ये आई के लिए एनसीआई बाहर आ गया, तो अब इनर समीशन का आंसर लिखो. वो नहीं लिख पा रहे हो तो फिर तो सच्ची में जूते पड़ने चाहिए. इस सर्कल वाले का आंसर कितना है? क्योंकि बार बाहर आ जाएगा और एनसीआई का भी वही आंसर है. एवरीबॉडी यस और नो? यस सर. यस सर. इतना टाइम क्यों लग रहा था? सब तीन बच्चों का आंसर चैट पे दिखा मुझे. इज दैट क्लियर क्वेश्चन? यस सर. एंड कैन आई से यह भी अपनी मैट्रिक्स का टोटल समेशन है? एग्री करो. यस यस सर. यू कैन इमेजिन NC0 इनटू NC0, NC0 इनटू NC1, NC0 इनटू NC2, NC0 into NCN and so on. कर सकते हो visualize? Yes sir. Yes sir. Huh?
करो जल्दी से, ये डायगनल ही है, जल्दी से एग्री करो। यस सर, यस सर, और डायगनल के लिए मैंने क्या टिप्स दिए, दो समेशन को किसमें रिप्लेस कर दो, सिंगल सिंगल समेशन, और हर जगह जे की जगह क्या रख दो, आई आई, और आई की लिमिट जीरो से जीरो से जीरो। इसका भी आंसर याद आना चाहिए, कमान फटाफट, बिल्कुल सही सिद्धार्थ। करेक्ट सर्वेश, क्या ये कोई रिजल्ट याद कराया क्या एनसीआई स्क्वायर? यस सर, क्वेंसियन, यस क्वेंसियन। दोनों क्वेश्चन में से किसी में डाउट? नो सर, नो सर। Everybody, किसी को डाउट? नो सर, नो सर। तो फिर एक बार लिखना बंद करो, यहाँ तक आई होप कॉपी हो गया, कर लो, चलो 10 seconds कॉपी कर लो। चलो मुझे चिल्ला के इसका आंसर बोलना। अब जीरो इज लेस देन आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन एन सी आई इन टू एन सी जे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले तो चिल्ला के बोल दो। अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल। फॉर्मूला होता है उसका, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल समेशन। अब तुम्हारे सामने है सारी चीज, बस मुझे आंसर बोलो चिल्ला के, कम ऑन। 4h2n minus 2nc2n upon 2. तो क्वेश्चन सिर्फ 7th आएगा, 6th और 5th तो तुम्हें ही निकालना है, इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। आई होप समझ गए, कॉपी करो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा। सर ये सब रिजल्ट्स याद रखने के, कौन सा रिजल्ट याद रखना है बताना, समझ ले हाँ बच्चे, ये रिजल्ट याद रखना है, ये पूछ रहा है? यस। कौन सा? ये वाला? अच्छा जो क्वेश्चंस किए थे हर्ष गौरव, तो क्लियरली नहीं पूछ रहा, फिर मैं भी ऐसे अनक्लियर आंसर दूंगा। हाँ जो भी रिजल्ट्स है वो सब याद रखना ही चाहिए, ठीक है? वो भी खुश रहे, तू मेरे को ऐसे पूछ रहा है तो मैंने भी ऐसे ही जवाब दे दिया। ओके सर, जो अभी अभी किया था 7th, तो क्यों याद रखना है 7th? बिल्कुल याद नहीं रखना है, ऑब्वियसली नहीं, ये क्वेश्चन है, ये कोई रिजल्ट है ना, फॉर्मूला ये याद रखना है, ये मैंने याद करा दिया, बस उससे ज्यादा कोई याद कुछ भी याद नहीं करना है यहाँ पे। Everybody done यहाँ तक? किसी को doubt? No sir. No sir. Okay. Question दो यार तुम। बहुत time लगाओगे। चलो करो कोई नहीं। अपने पास time बहुत है। Summation, summation. One less than I less than J. Sorry. Less than j less than equal to n i into n c i into j into n c j, इसको करोगे यू लव इट, कि क्या सब सारे कॉन्सेप्ट यूज आ गए। पहली बात तो ये क्या अपर ट्रायंगुलर है या टोटल समेशन? सर अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल। तो कैन आई से डायरेक्टली नहीं निकलेगा, दो चीजें निकालनी पड़ेगी ना? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले क्या करें तुम बताओ, टोटल या डायगनल? टोटल, टोटल। चलो करो फिर, टोटल मतलब दोनों की समेशन की लिमिट अलग कर दो बस, और चिल्ला के बोलो क्या लगने वाले हैं फॉर्मूलाज, अब कौन से फॉर्मूला? न्यूटन्स, न्यूटन्स। चलो पूरा कंप्लीट करो, मैं आ रहा हूँ, न्यूटन्स लगाओ,
सवाई करो हुआ टोटल तो सही करा टोटल क्या निकाला आंसर सनी का n स्क्वायर इनटू 2 की पावर n टोटल का यही है क्या अरे एक तो मैंने गड़बड़ कर दी है बट अब सर जीरो से है ना हां लिमिट 0 से n 1 से n में फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्री करो कि जीरो भी कर दूं तो जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है कम ऑन यस यस सर Yes. तो टोटल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आर यू विद मी यस बाद में कहीं फर्क पड़ेगा वो देखेंगे अभी मेरे ख्याल से आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो दे रहे रहेंगे यहाँ पे लिमिट्स का कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बट एनीवे आई इक्वल टू वन के लिए आई इंटू एन सी आई तो बाहर आ गया और समेशन जे इक्वल टू वन से एन के लिए जे इंटू एन सी जे दोनों का आंसर ऑब्वियसली सेम होगा एक का निकाल लो बाकी पे स्क्वायर कर देना आई आई न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा समेशन एन माइनस वन सी आई माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर होता है टू की पावर एन माइनस वन एन स्क्वायर बाहर आएगा ऑब्वियसली एन स्क्वायर इंटू टू की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर इंटू टू की पावर टू इंटू एन माइनस वन क्या ये सबको अंडरस्टूड है yes, yes, sir. इसमें किसी को डाउट देन डायगनल के लिए क्या टिप भी दी हुई मैंने डबल को किससे रिप्लेस कर दो सिंगल से और हर जगह आई और जे को इक्वल कर दो तो आई स्क्वायर इनटू एन सी आई स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट यस सर यस सर तो समेशन दो बार न्यूटन्स लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली दो बार लगा दूं पहले यहाँ पे न्यूटन्स लगाया एन बार आया यहाँ पे न्यूटन्स लगाया एक और एन बार आया
तो समेशन एन माइनस वन सी आई माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आई माइनस वन, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं तो किसकी याद आनी चाहिए? सब इंडेक्स कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना सम? तो इस पे क्या लगा देंगे? फ्लिपिंग फ्लिपिंग एन माइनस आई. अब बताओ सब इंडेक्स का सम कॉन्स्टेंट है क्या? यस सर. यस सर. तो वैन डर वॉन्स आंसर हो गया 2n माइनस 2 सी एन माइनस 1. करेक्ट है बच्चों? यस यस सर. तो पूरा आंसर आ गया डायगोनल टोटल समेशन माइनस डायगोनल बाय 2 दैट इज n स्क्वायर इनटू 4 की पावर n माइनस 1. वो पता है तुम्हें ये 4 की पावर n माइनस 1 ही है. माइनस n स्क्वायर इनटू 2n माइनस 2 सी एन माइनस 1 डिवाइड बाय. क्लियर? Yes, sir. ऊपर से दिखा रहा हूँ, कुछ कॉपी करना है तो फास्ट करना. ओके, कॉपी हो गया सबका? यस सर. डन. वेट सर. ये खुद से करना चाहिए था, एक दो स्टेप को चटका और सिर्फ वही कॉपी करना था. डन सर. एवरीबॉडी कैन आई मूव नाउ? यस सर. यस सर. ध्यान से करना. इसमें अपन पोलिंग का गेम खेलेंगे, क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं वो तुम्हारे लिखूंगा मैं. हर साल चलो करो, बीच में बाद में बताऊंगा.
हर साल ये क्वेश्चन देता हूँ, 50% बच्चे एक ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो अभी तक दो बच्चों ने आंसर दिया, दोनों ही गलत हैं। No. आज बच्चों का आंसर आ गया, सबका गलत है। आचल, अमन, रुद्रा तीनों ने एक ही कॉमन मिस्टेक की है। हर्ष, नो, सार्थक, मुझे फाइनल आंसर चाहिए बच्चे। ये कोई टफ नहीं है, बस बच्चे गलती करते हैं, नालायक होते हो तुम। हाँ हाँ, दो मिनट ले ले, बात रॉन्ग है बच्चे। प्रशांत रॉन्ग, सार्थक टोटल समेशन में भी गलती है। नो सिद्धार्थ, तो वो वाली गलती करते हैं और 40% तो यूजुअली मिस्टेक्स करते ही हैं, तो 90-95% तो गलती आ रही है नालायक होते। दो तीन मैच कंबाइंड होके भी आंसर नहीं निकाल पा रहे, और शर्म आनी चाहिए। नो हर्ष, नो प्रशांत, नो गौरव, नो हृदय, मेरे को आंसर गलत ध्यान आया, गलत ध्यान रहा तो फिर तो it will be a laughable thing. But as far as I remember, correct answer याद है मुझे। Swara, no. पहला बच्चे का सही आया, नाम नहीं बोलूंगा मैं, एक बच्चे का सही आया। No ईशान, no यश, no सर्वेश। चलो डिस्कस करूंगा आपका सुनाई। अरे कितने मिनट दे दिया यार, अब मिस्टेक तुमने करी, अब देखो मिस्टेक तो पता लग ही जाएगी अगर तुम देखते रहोगे साथ में, ठीक है। दूसरे बच्चे का सही हुआ तो आयुष मिश्रा और पार्थ का सही हुआ है, अभी दो बच्चे बस, बाकी सब गलत। चलो देखो इधर, अब तुम बताना गलती क्या करेंगे, तुम दोनों बच्चे में नहीं बोलोगे, ठीक है। तो पहले तो टोटल समेशन निकाल रहा हूँ। टोटल समेशन आई इक्वल टू जीरो से एन, जे इक्वल टू जीरो से एन ऑफ एन सी आई प्लस एन सी जे, करेक्ट लिखा है यहाँ तक मैंने? यस। ओके, तो अब इनर समेशन चालू करेंगे। इनर समेशन के लिए कहना इसे स्प्लिट हो जाएगा, कमॉन। यस समेशन जे एन सी आई प्लस समेशन जे एन सी जे, जल्दी से ओके करो। यस सर। समेशन आई, अब एन सी आई तो पूरा कांस्टेंट है ना इसके लिए। यस सर। समेशन वन प्लस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एन सी जे का समेशन जे इक्वल टू जीरो टू रेस टू पावर एन। ओके, अब जल्दी से इसका आंसर बोल दो चिल्ला कर। एन 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 एन। अब तुमने सुना, चार बच्चों ने बोला, चारों ने गलत आंसर इसका दिया, ये एन नहीं। कार्टूनों लिमिट्स कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है? आई टू एन। समेशन आई इक्वल टू वन से एन ऑफ वन का आंसर एन होता है, करेक्ट और नॉट? यस। अगर समेशन आई इक्वल टू जीरो से एन कर दू तो आंसर क्या होता है? एन प्लस वन। क्या सबको याद आया या याद नहीं आया, तो भी अभी सोच सकते हो एवरीबॉडी। यस सर। यस। तो अब नेक्स्ट ईयर से तो मैं अब डेटा भी चेंज कर दूंगा, 80% गधे यही मिस्टेक कर, यही बोलना पड़ेगा। समझ में आ गई मिस्टेक अपनी?
तो इसका आंसर एन नहीं है, इसका आंसर कितना है लाउड वॉइस बोलो, एन प्लस वन। तो ये मिस्टेक यहाँ नहीं, आगे भी होगी क्योंकि वो तो सेम टाइप की करते हो। यहाँ पे एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, समेशन एन सी आई टू रेस्ट पर एन, यहाँ पे टू रेस्ट पर एन कॉन्स्टेंट है, समेशन वन आएगा, एग्री करो? यस सर। तो वापस वहां पे क्या लिखूंगा मैं, एन या एन प्लस वन? एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन। सो टू रेस्ट पर एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन इज द आंसर, क्योंकि डबल हो गया ना। यस, ये टोटल समेशन है। कोई डाउट यहाँ था? डायगनल आई इक्वल टू जीरो से एन है, समेशन जे इक्वल टू सॉरी जीरो से एन है। अच्छा डायगनल है ना, सॉरी। तो क्या करते हैं हम डायगनल के लिए, एक से रिप्लेस कर देते हैं दोनों और दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो ट्वाइस ऑफ समेशन एन सी आई आई इक्वल टू जीरो से एन, सो टू इंटू टू की पावर एन, दैट इज टू की पावर एन प्लस वन, करेक्ट ना? यस यस। सो योर आंसर इज टोटल माइनस डायगनल बाय टू, टू की पावर एन प्लस वन कॉमन, एन प्लस वन माइनस वन बाय टू, दैट इज टू की पावर एन हो जाएगा ये दोनों से इंटू एन। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तुम ये वाला अगर अच्छा करते भी तो मैं सिमेट्रिक का एग्जांपल देता, बट अब नहीं करेगा, तब कभी बाद में किसी क्रैश कोर्स वैश कोर्स के पेपर में देखो तब बात करेंगे, अभी नहीं। सर इतना लेट में क्या बोल रहा है? सर क्रैश कोर्स तो एकदम एंडिंग स्टेज में होगा ना, तो सर मतलब इतने गैप के बाद वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे? मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तू करेगा, मैं क्रैश कोर्स में मैं क्यों करूंगा? सर क्वेश्चन नहीं, मैं तेरे को दूंगा करने को। अरे मतलब तुम थोड़ा अच्छा करोगे तब जाके टफ मैं कोई ले सकता हूँ, तुम इसमें गलतियां करोगे तो ऑब्वियसली इतना तो नहीं लूंगा, वो फिर टाइम नहीं मिलता उसके लिए। जैसे मैं एनसीआर इनटू आरसीएस दे दूं, अब करना तुमने पूछ लिया इतना तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैं इसको क्लास में नहीं सॉल्व करूंगा, कभी एक्स्ट्रा में डाउट में पूछोगे तो बता भी दूंगा। क्लियर? ओके सर। सर एक मिनट लिख सकते तो देख लेना बाद में, इसमें कोई डाउट फटाफट कॉपी करो। वो मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं सिलेबस में नहीं बच्चों, डोंट वरी सो मच, बट हाँ कभी कर क्या सिलेबस के थोड़े बाहर की भी चीजें जो रफली रिलेटेड होती है ये पूछ सकता है, पूछ लेता भी है। ये दिया था चलो आगे बढ़ू अब मैं। एवरीबॉडी Yes. Okay, एक और टॉपिक जो मेरी एनर्जी बहुत बर्बाद होती है तो वो कराता हूँ अभी, मिडिल टर्म, ये तो बहुत फटाफट निपटाते हैं। मुझे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म पे पहुंचना है। बुकलेट में देखा है कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टर्म ग्रेटेस्ट? Yes, yes. अच्छा मिडिल टर्म तो मुझे जल्दी से क्लियर करो यार, अगर वन प्लस एक्स की पावर एट है, एट है तो टर्म्स कितने होते हैं? नाइन टर्म्स होते हैं, एट है पावर, तो मिडिल टर्म कौन सा होता है, कौन सा टर्म नंबर पूछ रहा हूँ? फोर्थ। अरे गधे, फिफ्थ कैसे, फोर्थ कैसे होगा, फोर्थ से पहले तीन है, उसके बाद छह है, कार्टून पांच है, कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, कमॉन, उसके पहले चार उसके बाद चार, कमॉन एग्री करो। यस सर। क्या सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। वन प्लस एक्स की पावर एट में नाइन टर्म्स हैं। यस। नाइन टर्म्स देखो, ये रे चार टर्म आठ और ये नाइन्थ टर्म, कमॉन एग्री करो। यस सर। यस सर। तो सिंपल फॉर्मूला में बोल सकता हूँ कि इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन मिडिल टर्म इज कितना, n plus 1 by 2, n by 2,
n by 2th plus 1? Yes, sir. Yes, sir. Come on. जल्दी से ओके करो. यस सर. यस सर. कोई डाउट इसमें? नो सर. अब ये कोई पढ़ाना नहीं, ये दिस थिंग्स शुडंट बी टॉट. ये तो बच्चे को खुद को सोचना चाहिए. 1 plus x की पावर 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10. तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म नहीं है, दो मिडिल टर्म है. बताओ कौन से हैं? 6 आर द मिडिल टर्म्स. कम ऑन, एग्री करो बच्चों? यस सर. इसके पहले चार टर्म्स हैं और उसके बाद चार टर्म्स हैं. कम ऑन. यस सर. तो यहाँ पे मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n by 2 plus 1 by 2 and n plus 1 by 2th 10 by 2 and n plus 1 by 2th plus 1th. Clear everybody? Yes sir. Yes sir. कोई डाउट इसमें? ये याद करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, खुद सोच लेना उस समय यार. Yes sir. बिल्कुल बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट, बट यूं ही बताने के लिए बता दिया. कॉपी कर लो जल्दी से. तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कहां से हो गया था? टेंथ में. ओके. हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही शंग. गुड. स्टैटिस्टिक्स में मीडियन बोल सकते हैं हम इसको. रात को 10:30 तक किसी ने लेक्चर लिया आज तक तुम्हारा या नहीं लिया? नहीं सर. आप ही नहीं लिया? आप ही नहीं लिया? मैंने पहले एक ले चुका हूँ. कब ले रहा हूँ? 10:15 तक था. 11 बजे तक था. 11 बजे तक लिया मैंने. कब लिया? सपोर्ट का लिया था. लेट स्टार्ट हुआ था. तब मीटिंग किया था. तो लेट स्टार्ट हुआ था. लेकिन लेट स्टार्ट हुआ 9:30 से था वो. सर 9:30 टू 11. क्यों? मैं इतना लेट क्यों रहा? पता हमें क्या पता सर. आप तो ना देखिए सर, आपको लेक्चर्स कब मिला? लेक्चर 3 था सर, हमारे बैच में नहीं था. एडवांस में नहीं होगा, सपोर्ट में होगा. करेक्ट? यस सर. यस सर. ओल्ड सपोर्ट. यस सर. यस सर. ओके ओके. अच्छा आगे बढ़े हैं, हो गया सबका? यस सर. यस सर. ओके, अब एक और इजी वन, फिर अच्छा मेन टॉपिक आएगा. ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. तो अगर मैं एक्सपांशन बात करूं 1 plus x की पावर 6 का, ठीक है. तो मतलब n अभी इवन केस ले रहा हूँ, करेक्ट ना? यस सर. यस सर. अच्छा मुझे मिडिल टर्म कौन सा होगा वो तो बता दो जल्दी से. लेट्स सी यू रिमेंबर. फोर्थ. n by 2 plus 1 याद है ना? यस सर. फोर्थ टर्म विल बी मिडिल. अब इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट देखते हैं हर टर्म के. फर्स्ट टर्म का 60 होगा, सेकंड का 61, थर्ड का 62, 63, 64, 65 एंड 66, करेक्ट ना? ये 7 टर्म्स हैं. Yes, और मिडिल टर्म हम कौन सा बोल रहे हैं? ये वाला. कम ऑन, एग्री करो? यस सर. और अगर इन सब की वैल्यू थोड़ी सी भी आती है, वैसे अब पीएनसी चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं बोल देता पीएनसी तक तो इन सब की वैल्यू याद रहनी चाहिए. 7CR तक किसी अच्छे जेई एडवांस के स्टूडेंट को सारी वैल्यू याद रहती है कि 7C2 21 होता है, 7C3 35 होता है, 6C3 20 होता है, 6C2 15 होता है. ये याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज आती है. बट अभी के लिए इनकी वैल्यू देखोगे ना, तुम सबको एग्री करोगे कि मिडिल टर्म कंप्लीट द सेंटेंस, मिडिल टर्म विल बी हैविंग द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू शुरुआत से बढ़ती है और फिर वापस कम होती है, क्योंकि फ्लिपिंग से सेम तो होना ही है. कम ऑन. यस सर. ये 6 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 15 होता है, ये 6 होता है और ये
होता है। क्या ये बताने की जरूरत है क्या? मिडिल टर्म विल बी हैविंग द ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट। नो सर। क्या वो ऑड में दो मिडिल टर्म होते हैं तो दो का बायनोमियल कोएफिशिएंट सेम होगा क्या? यस बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल होगा। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. इसलिए ये दो मिडिल टर्म भी हैं और इन दोनों के बायनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़े। टॉपिक कर लो जल्दी। मैंने करी क्या हो गया क्या भाई कॉपी कुत्ता? यस सर। यस किसी को डाउट इसमें? नो सर। सर अगर बस कोएफिशिएंट पूछा तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट तो फिर बोलेगा कि नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ूंगा मैं। ठीक है ओके। अरे तो गलत टाइम पे हैंग होता है ना गुस्सा आता है मेरे को। अब जब सबसे मेन चीज समझाने का टाइम आ गया तो हैंग हो रहा है थोड़ा। लैग तो नहीं है इतना नहीं। चलो हेडिंग लिखो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म। न्यूमेरिकल मतलब मैग्नीट्यूड वाइज है ना। फिर माइनस प्लस का जो मतलब होगा वो हम क्वेश्चन में हैंडल कर लेंगे। अभी अगर बीच में मैं माइनस करूं 1 - x^10 तो एक टर्म नेगेटिव होगा एक टर्म पॉजिटिव होगा ना बच्चों? यस सर। हां बट अभी मैं माइनस को कंसीडर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं बताओ? नहीं कर रहा हूं। अगर माइनस को कंसीडर करना हुआ किसी क्वेश्चन में तो ये कांसेप्ट समझोगे उसके बाद अपने आप हैंडल कर लोगे। तो अभी लेट्स वरी अबाउट कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब मैं तुम्हें पहले पैटर्न दिखाऊंगा वैल्यूज वाइज और उस पैटर्न के बेसिस पे हम थ्योरी बनाएंगे और उस थ्योरी से हम फॉर्मूला लाएंगे। क्लियर? यस सर। 1 + x^6 का एक्सपांशन लिखा है मैंने। देखो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म, आई होप तुमने टर्म पे फोकस किया। यस सर। कैन आई से टर्म मतलब बायनोमियल कोएफिशिएंट विद वेरिएबल की वैल्यू टोटल मिला के टर्म है ना? यस सर। तो देखो मैंने वैल्यू एक एग्जांपल लिखा है x = 1/2 के लिए 1 होता है पहला टर्म, दूसरा टर्म होता है 3, तीसरा टर्म 3.5, चौथा टर्म 2.5, फिर फिफ्थ टर्म लेस देन 1, आई डोंट केयर। तो कैन आई से सबको दिख गया ग्रेटेस्ट मिडिल टर्म इज व्हिच वन? दिस वन। यस सर। व्हाइल मिडिल टर्म इज दिस वन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो पहली बात मिडिल टर्म से उसको कोई लेना देना नहीं है। मिडिल टर्म हैज नो रिलेशन व्हाटसोएवर टू ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म। Is that clear? Yes, sir. चलो अब एक और वैल्यू डालता हूँ मैं, x को 3/4 डालता हूँ। पैटर्न दिखा रहा हूँ।
x को 3 by 4 क्या तुम बोलोगे less than माने तो मैं change कर देता हूँ 2 कर देता हूँ वन ट्वेल्व खुद भी निकाल सकते हो 60 160 240 192 64 बाद में जाके कम तो होना ही है ना कमान क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही बहुत कम हो जाता है यस सर तो इस क्वेश्चन के लिए x इक्वल्स टू 2 के लिए कौन सा वाला टर्म आ गया ये वाला आ गया कमान देखो यस सर यस सर और एक मस्त वाला एग्जांपल जिससे और हमारी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी एक्चुअली अगर मैं 3 बाय 4 दूं देखना वैल्यू कैसे आ रही है 1 4.5 8.44 8.44 इसको समझ में आई कि प्रॉब्लम हमारी बढ़ गई एक्चुअली क्या बढ़ गई कि यहाँ पे दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गए तो हमको फर्दर तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा ऐसा कब होगा अच्छा कि दो की वैल्यू सेम आ सकती है और मुझे पता कर लूं तो वो तो बाद की कंसर्न है पहले हम एक मेथड तो जज करें सिंपल एग्जांपल हाफ के लिए फिर हम दो इक्वल वाला देखेंगे सो मैं क्या बोलूंगा देखना थ्योरी वाइज x equals to half के लिए if this is the numerically greatest term then can I say इसके लिए r 2 है r 0 से चालू होता है as you know yes sir t 2 के लिए देखना t 2 के लिए r equal to 2 के लिए tr plus 1 upon tr is greater than 1 इसलिए हमने बोला कि ये टर्म बड़ा है इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूं r equal to 2 के लिए t3 upon t2 is greater than 1 इक्वलिटी तो छोड़ दो greater than 1 का मतलब यही होगा ना t3 is greater than t2 come on yes sir मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये बोलूंगा तो तुम ओके करोगे r equal to 1 के लिए भी t2 upon t1 is greater than 1 तो भी ओके बोलोगे come on yes r इक्वल टू जीरो के लिए कितना बच गया r इक्वल टू जीरो के लिए तो कुछ है ही नहीं r इक्वल टू जीरो के लिए तो कोई सेंस नहीं बनता सो आई एम सेइंग हमें tr plus 1 upon tr greater than 1 करना है और उसके लिए जो जो r की वैल्यूज आएगी जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए r कौन कौन सा आएगा 1 और 2 आएगा एग्री करो यस सर अब 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि किसी भी r के लिए मैं r plus 1 बात कर रहा हूँ मतलब r इक्वल टू 2 रखता हूँ तो t3 upon t2 आता है कमान Yes, sir. R equal to 2 के लिए T3 upon T2 R equal to 0 के लिए T1 upon this क्या था R equal to 0 के लिए क्या आएगा T1 upon T0 पर T0 कुछ होता नहीं है तो doesn't make sense तो R equal to 1 के लिए T1 upon T2 upon T1 R equal to 2 के लिए T3 upon T2 अब R equal to 3 नहीं आएगा क्यों क्योंकि T4 upon T3 is less than 1 come on Yes, sir. So, ये अगर हम सॉल्व करेंगे कैन आई से मेरे लिए आर की वैल्यूज 1 और 2 दोनों आने वाली है कम ऑन एग्री करो यस सर और मैं इनमें से मैक्सिमम वाला आर ले लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा कम ऑन आर मैक्स इज 2 सो देयरफॉर थर्ड टर्म विल बी ग्रेटेस्ट कम ऑन देखो थ्योरी बना रहे यस कम ऑन यस सर ओ यस क्या करा मैंने आई एम गोइंग टू फाइंड आउट ऑल द आर वैल्यूज फॉर व्हिच tr plus 1 upon tr is greater than 1 फाइंड आर वैल्यूज For which tr plus 1 upon tr is greater than 1. Let's say r 1, 2 आ गया. तो मैं maximum value of r ले लूँगा और उसके corresponding वाला term मेरा greatest numerical term हो जाएगा. With me बच्चों? Yes, sir. क्या वो x equals to 2 के लिए भी work करेगा क्या देखना? Come on. Yes, sir. Yes. अगर मैं इसको solve करूँगा मेरा r क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा. Come on. And 4 भी आ जाएगा. देखो. R equal to 4 के लिए R equal to 4 के लिए T5 upon T4 is greater than 1 Yes, T5 upon T4 is greater than 1 Yes, sir. फिर मैं R maximum 4 ले लूंगा और 5th term greatest हो जाएगा देखो come on Yes, theory अच्छी लग रही है Yes, sir. यहाँ तक मेरे साथ हो Yes, sir. अब बताए तीसरे example को handle करने के लिए बस छोटा सा change करेंगे come on अब तुम खुद दिमाग लगाओ 30 seconds के बाद मुझे बताओ कि यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज करेंगे ताकि ये तीसरी इक्वेशन भी हैंडल हो जाएगी थिंक एंड टेल आफ्टर 30 सेकंड
इसके लिए r इक्वल टू टू के लिए t3 तो ठीक है, r इक्वल टू थ्री के लिए t4 अपॉन t3 ग्रेटर देन वन नहीं है, इक्वल टू वन है, काफी बोल दिया मैंने। हाँ क्या करेंगे चेंज, चलो चिल्ला के बोलो dr plus one greater than equal to greater than equal to one कर देते हैं, come on yes sir come on बच्चों greater than equal to one कर देंगे yes sir और हमें r की ऐसी कुछ वैल्यू आएगी मैं बता दूंगा, समझा दूंगा तुम्हें कैसा आएगा, उससे फील आ जाएगी yes greater than equal to के लिए अगर r यहाँ सॉल्व करा और r less than equal to 2.9 आया तो r 2.9 तो होता नहीं है, तो r less than 2.9 या less than equal to 2.9 लेने के लिए मैं r और 1 और 2 ही लूंगा ना बच्चों। Yes, sir. तो कैन आई से यहाँ पे इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब मैं r को 2.9 लूं? Yes, sir. Come on. तुमने अभी एग्री किया कि यहाँ पे इक्वालिटी कभी आ जाएगा तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, कम ऑन। यस सर, यस सर। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ऑब्वियसली आंसर ऐसा ही कुछ आने वाला है, तो मैं समझ जाऊंगा कि r को 1 और 2 लेना है और इसमें r इक्वल टू 2 के कारण थर्ड टर्म विल बी ग्रेटेस्ट टर्म। आर यू विद मी यहां तक? यस सर, यस सर। जैसे इसमें इस सेकंड एग्जांपल के लिए r लेस देन 4.2 समथिंग आ जाएगा तो मैं r ऑब्वियसली मैक्सिमम 4 ले लूंगा और फिफ्थ टर्म ग्रेटेस्ट हो जाएगा, विद मी? यस सर, यस सर। अगर अब मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास ऐसा आ गया r लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब सब बच्चों को थोड़ा सा दिमाग खोलना है और समझना है कि यहाँ पे इक्वेलिटी मतलब यहाँ पे इक्वेलिटी, कम ऑन। यस सर, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन को चेंज कर दूं और इक्वल टू वन करूं तो फिर इसकी जगह यही चेंज होगा ना, इक्वल टू थ्री आएगा, कम ऑन। यस सर, तो इसका मतलब कहना है इसे आर इक्वल टू थ्री के लिए टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू वन। ये बोलना चाहता हूँ बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू को सॉल्व करोगे और कभी यहाँ पे जब r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 टाइप की आ गई तब तो हम r 1 2 3 तीनों ले सकते हैं ना। यस सर, एंड r इक्वल टू 3 इज करेस्पोंडिंग टू दिस फिगर, ये 3.9 नहीं है, 3.2 नहीं है, 3 है, मतलब इक्वलिटी वहां पे होल्ड कर रही होगी। r इक्वल टू 3 के लिए दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, कम ऑन एग्री करो। यस सर, यस सर। तो r 3 भी ले लेना, r 2 भी ले लेना, t 4 और t 3 दोनों इक्वल ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। तो ये मैं एग्जांपल से और समझाऊंगा बट एक बार के लिए 80% यू आर फाइन। यस सर, यस सर। इक्वलिटी वाला हम वापस अच्छी तरह समझेंगे बट बाकी सब एक बार ओके है एवरीवन? यस सर, यस सर। यहां तक कॉपी करो एक बार, अब ये वैल्यूज तुम करनी नहीं करनी तुम्हारी इच्छा है, बस ये थ्योरी लिख दो बस कम से कम, अब तुम्हें समझाना हो तो एक एग्जांपल को लिख के समझा देना यहाँ तक। आप कभी का थोड़ा फील नहीं होता क्वाड्रेटिक कितना अच्छा चैप्टर था? हाँ यस सर, बट ऑफ कोर्स सब एज की बात है। थ्योरी वाइज ये अच्छी तरह लिखना, लास्ट स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड द आर वैल्यूज फॉर विच टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। फिर एक दो एग्जांपल से समझा दो, अगर हमने सॉल्व किया आर लेस देन 4.2 आ गया, मींस एक वर्ड्स में लिख के देते हैं, मींस फॉर ऑल आर वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 4.2 tr plus 1 upon tr is greater than or equal to 1. We can take r 1, 2, 3, 4. For greatest term,
आर इक्वल टू फोर एंड फिफ्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट, एग्जाम्पल समझने के लिए. टेन थर्टी तक तो लूंगा मैं लेक्चर, देखते हैं 10:30-11 तक जब तक मूड होगा. लेट मी नो जब यहां तक कंप्लीट हो जाए. हाँ भाई पक्का. लास्ट में क्या बीच में ही है. गधे डिनर इतना लेट करके क्यों बैठा है? ओके कैन आई प्रोसीड अहेड एवरीबॉडी. हो गया था? यस सर. यस सर. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या है कि आर इक्वल टू 4.2 पे क्या हो रहा होगा? एनीबॉडी? टी 5.2 अपॉन टी 4.2 इज इक्वल टू 1. यस यही है. बट कोई फिफ्थ टर्म और 4.2 टर्म तो 5.2 और 4.2 टर्म तो होता नहीं है ना? नो. यस सर. यस सर. इसलिए हम 4.2 लेते भी नहीं है, हम 4 लेते हैं. तो उसके लिए क्या T5 अपॉन T4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? बताओ. ग्रेटर देन इक्वल. ग्रेटर देन 1. इक्वल टू नहीं होगा, फिर ग्रेटर देन होगा क्योंकि इक्वालिटी तो 4.2 पे है. कम ऑन. यस सर. यस सर. ओह यस सर. आगे बढ़ो बच्चों. एक एग्जांपल तक थोड़ा सा पेशेंस रखना तो डाउट क्लियर हो जाएगा सब. पर एक बार थ्योरी तो अच्छी तरह बना ली हमने. कम ऑन एग्री करो. यस 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 सर. नाउ लेट्स गेट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन. एक्स इज द फर्स्ट वेरिएबल, ये फिक्स है. अब यू ए प्लस एक्स मत करना क्योंकि फिर गड़बड़ करोगे. तो सो हमने डिस्कस किया था थ्योरी क्या थी. Find R for which TR plus 1 upon TR is greater than equal to 1. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से X plus A की पावर N के लिए TR plus 1 बोलो. TR general term होता है या TR plus 1 होता है? TR plus 1. क्या होता है? NCR into? X to the power N minus R A to the power R. बिल्कुल सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और तो फिर टी आर कितना हो जाएगा? एन सी आर माइनस आर माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. और कौन बताएगा मैंने मॉड क्यों लगा दिया? सर क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं. सबको याद आ गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मैग्नीट्यूड वाइज ही देख रहे हैं हम. यस सर. यस सर. अच्छा और किसको कुछ याद आया इस बारे में? एनीथिंग? रेशियो वाली प्रॉपर्टी याद है? कंसेक्यूटिव रेशियो. यस सर. क्या आंसर हो जाएगा? n माइनस r प्लस 1 अपॉन r. ऑन r. वेरी गुड. a और a कैंसिल होके नीचे a बना दिया. ओके करो. यस सर. माय मिस्टेक. ऊपर a बना दिया. कम ऑन. यस सर. यस सर. यस सर. और x ने और x ने कैंसिल करके नीचे x बना दिया. कम ऑन. यस सर. यस सर. अब मुझे किसके लिए सॉल्व करना है? आर के लिए. कम ऑन याद है ना आर? यस यस सर. इसलिए अभी इसको टेम्परली मैं के बोल रहा हूँ. एन माइनस आर प्लस वन इंटू के इज ग्रेटर देन आर. आर पॉजिटिव होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हो. यस.
क्या कैसे सॉल्व करूं यार इसको, k तो n plus 1 into k minus r k is greater than equal to r, r को मैं राइट साइड में ले गया, r into 1 plus k is less than equal to n plus 1 into k. अब ये सब स्टेप्स कॉपी मत करना, जब कॉपी करोगे r is less than n plus 1 into k divided by 1 plus k. यहां तक ओके एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. ओके, k को नीचे डिवाइड कर रहा हूं, n plus 1 अपॉन, यहां पे k को डिवाइड कर दिया, 1 plus 1 by k. ओके करो. यस सर. और k ये था याद है? यस सर. तो फार्मूला क्या आ गया, r is less than n plus 1 upon 1 plus 1 by k कितना हो जाएगा, x by a, x by a. तो ये फॉर्मूला है जिससे आंसर ऐसे आने वाले हैं, याद है जो मैं समझा रहा था कब से? यस सर. तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं. कॉपी टिल हियर. So, ये सॉल्यूशन कॉपी करना है आपने जो सॉल्व किया? हाँ कॉपी कर ले, बट मिनिमम स्टेप्स में. अब इसके बाद डायरेक्टली इधर उधर के कर दे सॉल्विंग दिस, ये वाला तक कॉपी कर ले, उसके बाद डायरेक्टली कहीं लिख देना यहाँ पे. कुछ छूट गया तो कॉपी कर लो. अभी हर स्टेप मत कॉपी करना यार, ना लाइक इसके बाद डायरेक्टली यहाँ लिख लो ये. तो अब हमारा टारगेट क्या है, वो ही जो वैल्यू से करा इस फॉर्मूला से भी आंसर आना चाहिए ना? यस सर. यस सर. तो पहला x इक्वल्स टू हाफ के लिए करें. यस सर. ठीक है. बट इस फॉर्मूला में बताओ हु इज x, बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि मैंने अब जो लिखा है x और a कौन है वो बिल्कुल क्लियर रखोगे तुम, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल मैटर करेगा. x कौन है? फर्स्ट वेरिएबल. और यह a कौन है? सेकंड वेरिएबल. सेकेंड वेरिएबल. तो बिल्कुल ऐसा ही रखना है फॉर्मूला में. तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स की पावर 6 फॉर एक्स इक्वल टू हाफ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, याद है? और वैल्यू के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म ना? यस सर. यस सर. तो देखो फॉर्मूला से क्या
क्या होता है फॉर्मूला आर इज लेस देन एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स बाय ए हु इज एन हियर एनीबॉडी सिक्स तो सिक्स प्लस वन सेवन एंड ध्यान से बोलना हु इज एक्स हियर वन सो वन एंड हु इज ए हियर एक्स उसकी वैल्यू हाफ वन अपॉन टू क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक यस सर यस सर R is less than 7 plus, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 हो जाएगा. R is less than equal to 7 by 3. 7 by 3 मतलब less than 2.67. याद है equality का मतलब क्या है? कि R equal to 2.67 के लिए TR plus 1 upon TR equal to 1 होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2.33. तो मैं R 2.33 नहीं ले सकता, but उससे less तो ले ही सकता हूँ ना? Everybody? Yes, sir. So, R maximum मैं कितना ले लूंगा कम ऑन टू और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा जल्दी से बोलो वो इक्वेलिटी वाला क्वेश्चन भी ले लें यस सर क्वेश्चन टू वन प्लस एक्स की पावर सिक्स एक्स कितना था 3/4 याद आया कार्टून कौन से टर्म आने चाहिए आंसर के हिसाब से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आने चाहिए करेक्ट ना यस सर चलो फटाफट फॉर्मूला आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स बाय वैल्यूज प्लग इन करो एन कितना है सिक्स प्लस वन सेवन हो गया एक्स कितना है और ए कितना है 3/4 तो आर लेस देन इक्वल टू 7 अपॉन 1 प्लस मॉड 4/3 करेक्ट लिख रहा देखना तो आर लेस देन इक्वल टू 7 अपॉन नीचे एलसीएम लूंगा तो 7/3 थोड़ा सा हैंग हो रहा है गलत टाइम पे यार तो आर लेस देन इक्वल टू 3 आ गया कम ऑन यस सर तो मतलब कैन आई से R इक्वल टू 3 के लिए T4 अपॉन T3 इक्वल टू 1 होगा ना कम ऑन यस सर मतलब T4 और T3 दोनों इक्वल है कम ऑन यस सर तो वही आपके दोनों ग्रेटेस्ट टर्म हो गए कम ऑन यस सर आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मैं R को 3 ग्रेटेस्ट ले सकता हूं ना एवरीबॉडी यस सर और उसके लिए इक्वालिटी इज होल्डिंग मतलब दोनों के दो ग्रेटेस्ट टर्म है क्या ये सबको क्लियर हो गया प्रोसेस Yes, sir. चलो दोनों जल्दी से कॉपी कर लो या फिर नया क्वेश्चन कर लोगे बोलो नया क्वेश्चन से बाद में अपने आप से प्लग इन कर लेंगे वैल्यूज डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग न्यू क्वेश्चन तो उसमें क्लियर हो जाएगा वापस वही चीज है थ्री प्लस टू एक्स की पावर फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 3 + 2x^50 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1/5 करो अच्छा ये मत करना रुको रुक जाओ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ प्लीज वेट 3 - 5x की पावर 15 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1/5 ये करो डू दिस बीच में जो माइनस है वो हमारे लिए मैटर कर रहा है क्या बच्चों अभी
दो सर नो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट फॉर्म में मोड आता है वैसे भी फॉर्मूला में करेक्ट पार्ट तनिका रॉन्ग क्या कर रही है देख ध्यान से लाइक एक्स और ई की वैल्यू उल्टी डाल दी है मेरे ख्याल से एक्स की वैल्यू कितने डाल रहे हो बच्चों 3 और ई की वैल्यू डालोगे 5x दैट इज 5 * 1/5 बिल्कुल सही हर्ष हर्ष के गलत R is less than 16 divided by x. X कौन है? ये x नहीं है कदम बहुत बार बोल दिया मैंने x is the first term 3 a is the second term 5x that is 5 into 1/5 so R is less than 16 upon कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों yes sir yes sir so integer आ गया right side में तो मतलब कौन से greatest term है बोलो 4 है T4 and T5 are the numerically greatest term. Is that clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So, ab dekhen tum kitna soch sakte ho, kitna intelligent ho. Chat pe likhna, chillana mat. Repeat the above question. And find algebraic greatest term. Algebraic greatest term matlab, kya difference hai? Sign matter karega, correct na? Yes, sir. Chalo, chat pe likho. Algebraic greatest term. अच्छा बस ये बता दो first term positive होता है negative होता है इसका expansion में? So positive. Positive. बस काफी है. Sir, T5 algebraic greatest or T4 smallest? मुझे कुछ मतलब नहीं chat पे लिख मैंने बोला तेरे को बोलने की जरूरत नहीं ना बच्चे. Everybody, T4 or T5 की magnitude की value बराबर है, correct or not? Yes, sir. Almost there. Come on. T4 or T5 की magnitude की value बराबर है, but T4 or T5 में से negative कौन होगा? Come on, alternate plus minus sign here. Yes, sir. तो fourth term negative होगा, क्या ये सबको समझ में आता है? First term positive होता है. फिर सेकंड टर्म नेगेटिव होता है फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव होता है यस और नो यस यस सर तो ऑब्वियसली फोर्थ एंड फिफ्थ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बराबर है बट ऑब्वियसली फिफ्थ विल बी द एल्जेब्रिक ग्रेटेस्ट टर्म मान लो फोर्थ टर्म -30 है तो फिफ्थ टर्म +30 होगा इज दैट क्लियर एवरीबॉडी यस सर यस सर तो T5 इज द एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म किसी को इशू नो सर पक्का यस सर बस नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लार्जेस्ट टर्म in the expansion of 1 plus 4x ki power 8 if x equals to 1/3 when terms are arranged in increasing order acha ye batao yahan pe largest kaun sa hoga numerically algebraically ya dono ek hi cheez hai numerically algebraically dono sath mein अब इतना समझ में आना चाहिए इसलिए बता रहा था न्यूमेरिकली निकाल लें तो एल्जेब्रिक तो दिमाग लगा लेंगे यहाँ पे दोनों सेम है क्योंकि एवरी टर्म इज पॉजिटिव हियर यस ओके गेट मी द आंसर
कैलकुलेशन मिस्टेक तो कसम खा रखी हमने. करेक्ट ईशान, सुदीप, आयुष मिश्रा रॉन्ग, ध्रुव करेक्ट, तरुण रॉन्ग, हर्ष करेक्ट, पार्थ रॉन्ग, सर्वेश रॉन्ग, प्रशांत रॉन्ग, निशांत रॉन्ग, गौतम करेक्ट, अहमद करेक्ट, सनिका करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, अमन करेक्ट, रुग्वेद करेक्ट, तरुण रॉन्ग, यश करेक्ट, संयम करेक्ट. ओके, टाइम टू डू. चलो देखो सर, r is less than n plus 1 upon 1 plus mod x. x is 1, correct? Yes, sir. By a. a kitna hai? 4 into 1 by 3. So r is less than 9 upon 1 plus 3 by 4. r is less than... Sahi kar raha hu na? Yes, sir. 9 into 4 by 7. r is less than 36 by 7. So r is less than 5 point something. T6 is the greatest term. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 5.1 aaya isliye na? Correct? 5.01 se 5.99 tak kuch bhi hota chalta na main? Yes, sir. Aaya na bachcha? Ah, sir. Yes, sir. But agar 5 hota to? So then... Do ho jate. Main ye next question ke liye hint de raha hu. Dhyan se karna. अगेन हर साल कम ही बच्चे कर पाते हैं. इफ इन द इक्वेशन 2x प्लस 5 रेज टू पावर 10 द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज सेम एज द मिडिल टर्म. n इवन है तो मिडिल टर्म एक ही होगा ना बच्चों. n बाय 2 प्लस 1 है, याद करो. Yes, sir. N by 2 मतलब 10 by 2 मतलब 5 plus 1, 6 term greatest होगा और R equal to 5 होगा उसके लिए. Then find the range of values of X. मतलब X की ऐसी कौन सी values होगी जिसके लिए numerically greatest term is same as the middle term. तो सबसे पहले तो middle term कौन सा होगा वो निकाल के खत्म करो यार. Means r equal to 5, correct na? Yes, sir. Yes, sir. So numerically greatest term ke liye bhi r equal to 5 aana chahiye, correct? Yes, sir. Chalo karo. Okay, please momentum से binomial की booklet कर लेना. Next week पे मैं doubts में discuss करूँगा. सबने सुन लिया है? Yes sir. Yes sir. अब मैं mark वाक नहीं करा रहा हूँ क्योंकि almost chapter is over है ना. तो do everything. तो मैं पता है अभी तक क्या नहीं हुआ है. एक remainder वाला part नहीं हुआ है अभी. Okay? Remainder वाला part, I or F वाला part. वही support के लिए rational negative index भी होना बाकी है. Rational index, negative index, remainder, I or F, integer fractional part wale questions. Advanced batches ka to kal lecture hai, to kal BT over ho jayega. Support ke liye aaj ke lecture ke baad do lecture aur lagenge, I think. Paid lecture. Are you strong?
ज्यादातर बच्चे यही आंसर देते हैं. हर्ष रॉन्ग, निशान रॉन्ग, हर्ष रॉन्ग, सैयद रॉन्ग, अमन रॉन्ग, जो अमन यही आंसर ज्यादातर बच्चे देते हैं जो गलत है. प्रशांत काफी अच्छा लाया बट कंप्लीट नहीं है. यार बात है यार, बात वेरी गुड. आई थिंक यही सही आंसर है. उससे करा है नालायक तूने? और कैसे करता, कहीं बुक ले कहीं इधर उधर सेंसर तो नहीं देखा क्योंकि. वेरी गुड, अच्छा तूने कर लिया. गुड गुड गुड. पूना नो, अनिका नो, हर्ष नो, तरुण नो, समुद्रा नो, संयम नो, श्रुति नो, संयम आंसर जो कम से कम इतना तो आना ही चाहिए. अहमद गुड, कि उतना आना चाहिए, सही नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ उतना मिस्टेक भी करोगे तो कम से कम अच्छी बात है, यहाँ तक तो पहुंचे. बच्चे मत कर अटेंड सोजल, यू कैन गो. बोर्स भी करना है इनको, ये भी करना नहीं है. ठीक है, अब से मैं फास्ट पढ़ाऊंगा और लेक्चर छोटे छोटे में करेंगे. ओके, तुम्हारे तेरे बैच को मैं फटाफट लेक्चर खत्म करा दूंगा. चैप्टर भी इतना डेप्थ में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं. ओके ओके, इधर देखो बच्चों, एवरीवन प्लीज सी हियर. सब सी, अब डिस्कस करने का टाइम आ गया. आर इज लेस देन एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स बाय, इसी से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आता है. एग्रीड? यस सर. हाँ, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही हमें ग्रेटेस्ट टर्म डिक्टेट करती है. एग्री करो? यस सर. यस सर. तो ये वैल्यू अगर 5.1 आएगी, r less than equal to 5.1, तो r equal to 5 आ जाएगा और हमारा आंसर सही होगा ना? Yes. 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 I hope समझ में आ रहा है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ. Yes sir. Yes sir. तो ये वाली वैल्यू 5.9 आएगी तो भी चलेगा क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. आ, बिल्कुल चलेगा, तो भी r equal to 5 ही लोगे. एग्री करो? Yes sir. Yes sir. 5.01 चलेगा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सब चलेगा. 6.01? No. Yes, no sir. 5.01 से 5.99 तो चलेगा, करेक्ट ना? Yes sir. Yes sir. Okay, what about r equal to 5? Yes sir. Yes sir. R equal to 5 के लिए t6 equals to t5 और t5 greatest term होगा ना? Yes sir. Yes sir. हाँ, but बिल्कुल नहीं चलेगा. क्यों? उसने एक ही greatest term को middle term बोला है. Come on. Middle term तो एक ही है, दो नहीं है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So r equal to 5 is also not going to be okay. Is that clear? Yes, sir. So for numerically greatest term to be same as the middle term, which is r equal to 5 ke correspondingly, sabko clear hona chahiye, n plus 1 upon 1 plus mod x by a ki value kiske kiske beech mein honi chahiye everybody? 5 to 6. 5 to 6. Aur dono open. Jaldi se agree karo. Yes. Yes, sir. अब ये इनइक्वालिटी चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा. एन कितना है बोलो यार जल्दी से. 10 सर. 10 10 10 प्लस 1 11. एक्स कितना है जल्दी बोलो. 2x. और ए कितना है? 5. तो दोनों इनइक्वालिटी को अलग-अलग सॉल्व करें ना. यस यस सर. यहां पे ये सब पॉजिटिव है तो मैं इधर-उधर कर सकता हूं. 1 प्लस मॉड 2x / 5 इज लेस देन 11 / 5 एंड यहां पे इधर-उधर कर दिया. 1 plus mod 2x by 5 is greater than 11 by 6. Are all of you okay? Yes. Yes, sir. So mod 2x by 5 is less than 11 by 5 minus 1, that is 6 by 5. 5 se 5 cancel. That is mod x is less than 3. Iska answer kya hota hai? Minus 3 se 3, come on. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Iska matlab last mein intersection linge. Agreed na? Yes, sir. So yahan galti ho gayi. Mod 2x by 5 is 11 by 6 minus 1, that is 5 by 6. That is mod x is greater than 25 by 12. इसका क्या आंसर होता है? आउटर इंटरवल्स होते हैं ना? Yes. Minus infinity से minus 25 by 12, union 25 by 12 से infinity, correct? Yes.
Yes. दोनों का इंटरसेक्शन लेने के कारण 25 by 12 की वैल्यू रफली 2.1 समथिंग. Come on, बताओ. Yes. X belongs to. Yes. बोलो बोलो. बिल्कुल क्लियर है बच्चों? कॉपी करो. अरे सुजल नाम का बच्चा जल्दी से माइक ऑन कर यार, जल्दी से माइक ऑन कर अभी. सुजल माइक ऑन कर बच्चे, नहीं तो मैं पूरा ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से तेरे को निकाल रहा हूँ. सुजल नाम का बच्चा तो क्या बोल रहा है? वो मीटिंग ही छोड़ दिया उसने. आई नो सुजल. सुजल नाम का बच्चा तो अपनी क्लास में है, करेक्ट और नॉट? यस सर. बट ये पक्का स्पैमर था, ये तो फालतू हरकतें कर रहा था. क्या लिख रहा था सर सुजल? नहीं ऐसे ही कि सर बीच बीच में स्टडीज कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, कुछ भी पूछा जा रहा है फालतू चीज. बट सुजल नाम का बच्चा आज है नहीं, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना भाई, मैं उससे बात करनी है. वही बच्चा है नहीं, मुझे पता करना, नहीं तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा उसको. ठीक है सर, एक बार क्वेश्चन दिखा दो ना प्लीज. सर्वेश तू याद दिलाएगा ठीक है? सुजल किस में, एडवांस में सपोर्ट में? पहली बात तो सर सपोर्ट पे सर, एडवांस 25 जुलाई एडवांस में. ठीक है अमन, याद दिलाना भी. ठीक है तो पार्ट मैं सोच रहा था, तूने इतना सोचा था खुद से? हाँ हाँ. या कहीं ना कहीं थोड़ी तबाही मचाई और पहुंच गया वहां तक? नहीं नहीं ऐसे ही गया था. आई नो अमन. अच्छा तू अमन सपोर्ट में? ओके सिद्धार्थ याद दिलाना पक्के से. सर हो गया क्या आज का? चलो आज के लिए इतना ही. ओके सर थैंक यू. बाय सर थैंक यू. हां यस प्लीज. चलो आईटी के बारे में क्या पूछना है तुम्हें? वो तुम पूछो आज, कुछ चीज पूछोगे उससे मुझे याद आ जाएगा कुछ. बताओ एनीथिंग यू वांट टू आस्क सर. लोग वहां भी बढ़ते हैं क्या पूरा साल?